हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी हाँ, थोड़ा सा लेट हो गई हूँ लेकिन मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ काम पर जाने के लिए। छुट्टियाँ थोड़ी लंबी थी, 14 अगस्त आ गया, फिर संडे था, आज काम का दिन है। लेकिन मैं आपको जाने से पहले बता दूं कि वापस आकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होने वाली है कि मैं आपको आपको दो तीन वीडियोस पहले मैंने दिखाया होगा कि मुझे एक पार्सल मिला था और ये मिला था जी सामीज बाय नबीला। और ये डिजाइनर हैं, लेकिन इनकी मेरे से कैसे मुलाकात हुई, ये कौन है और इन्होंने कैसे ये डिजाइनिंग शुरू की, ये ड्रेसेस मैं आपको पहनकर भी दिखाऊंगी और फिर हम आपके साथ मिलकर रिव्यू भी देंगे कि ये इनके ड्रेसेस कैसे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो पहले चलते हैं काम पर और वापस आकर फिर ये चेकआउट करते हैं। गुड। तो जी आज हमारा सारा सफाई डे चल रहा है, क्लीनिंग बहुत हो गई हुई है। मेरे ख्याल में रानी ने, क्योंकि खाना कल का काफ़ी पड़ा हुआ था तो रानी ने सोचा कि आज कर लिया जाए जनाब किचन को डीप क्लीन। और माशाल्लाह जैसा कि आप लोग देख सकते हैं किचन बिल्कुल चमका दिया है रानी ने, बल्कि इसके साथ साथ जो झाड़न है ना और जो वो रोटी लपेटने वाला वो सारे के सारे बाहर देखें धूप में अब ये बिल्कुल साफ निकल आए हैं। वाह माशाल्लाह। इसके अलावा जो हमारा डाइनिंग रूम है उसके मैट्स भी धुल रहे हैं आज, उसकी जो एक आ, 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 सारी इर्द गिर्द क्रॉकरी वगैरह है वो भी सारी नीट हो रही है। तो ये आज का काम जो है ये कर रहे हैं और मैं अभी निकल रही हूँ क्लिनिक के लिए। जी चलें जी, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। इस ब्रांड का नाम है समीज बाय नबीला, लोकेशन इनकी है कैपिटल स्क्वायर मॉल B17 इस्लामाबाद। ऑल्सो इनके कपड़े अवेलेबल हैं डी वॉटसन F10 में। ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे इनका पेज है समीज बाय नबीला, ऑल स्मॉल लेटर समीज बाय नबीला। और कॉन्टैक्ट नंबर है 0301-849-3356, 0302-849-3356, यानी ये दो नंबर हैं इनके। ओके, आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नबीला शी इज अ वेरी गुड पर्सन, खुद भी इनकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा ये मास्टर्स हैं फ्रॉम NCA लाहौर, वहां पर इन्होंने टेक्सटाइल और फैशन डिजाइनिंग पे मास्टर्स किया हुआ है। कपड़ों को डिजाइन करने का तो शौक इनको था ही, मतलब जो कुदरती एक टैलेंट होता है ना उसको अगर तालीम जो है उसको और पॉलिश कर देती है। तो आप सोचें कि इन्होंने NCA लाहौर से जब मास्टर्स किया होगा तो फिर इनकी फैमिली ने इनको इनकरेज किया कि वाई डोंट यू स्टार्ट डूइंग अ ड्रेस डिजाइनिंग बिजनेस। सिर्फ 6 महीने पहले यानी कि जनवरी 2023 में इन्होंने स्टार्ट किया और 6 मंथ्स में ही इनकी कपड़े भाई हिट हुए। मतलब मैंने खुद देखा है कि इनकी, बिकॉज शी इज वेरी कॉन्शियस अबाउट हर कट्स, कपड़ों के कट्स कैसे हैं, स्टिचिंग कैसी है। अच्छा, उसके अलावा ये ईस्टर्न और वेस्टर्न ब्लेंड से बनाती हैं। लाइक कपड़ा तो ईस्टर्न है हमारे पाकिस्तान के हिसाब से उनके ड्रेसेस हैं, लेकिन उनमें मॉडर्न टच है क्योंकि उसके अंदर उन्होंने थोड़ा सा वेस्टर्न एलिमेंट भी डाल दिया हुआ है। फिर कलर कॉम्बिनेशंस और वॉट एवर आप जो ड्रेसेस में होना चाहिए उसका ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिवली ख्याल करती है। खुद भी शी इज अ वेरी गुड नेचर्ड पर्सन, बहुत ही प्यारी सी नाजुक सी हैं ये नबीला। और इनके हस्बैंड का नाम समी है जिसके नाम पे इन्होंने अपना ये ब्रांड समीज बाय नबीला बनाया है। तो अभी देर नहीं करते, जल्दी से ये कपड़े पहनते हैं, बल्कि पहले निकालते हैं और फिर पहन के आपको दिखाते हैं। और इसके अलावा मैं आपको, मैंने वो जो सेल लगी हुई थी शनायर में, उसके बाद फिर आजादी सेल, मतलब मजीद सेल पे सेल लग गई, तो मैं जाकर 3 ड्रेसेस और ले आई हूँ, वो भी मैं आपके साथ आज शेयर करती हूँ। और ये देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है समीज बाय नबीला। समीज बाय नबीला, ओके। अच्छा जी, यहाँ पर मैं थोड़ी सी आपसे गुजारिश ये करूंगी कि गो ग्रीन वाला जो मामला पिछले व्लॉग में चला था, आई नो कि ये कागज के बैग्स कर दिए गए हैं और ग्रोसरीज वगैरह के लिए हमें खरीदने पड़ते हैं, बल्कि मंडी जब हम जाते हैं तो हम घर से लेके जाते हैं। आई 100% एग्री विद यू पीपल, लेकिन मैं बात कर रही थी ब्रांड्स की। ब्रांड्स के जो ये बैग्स होते हैं ना, ये उनकी उनका एडवर्टाइजमेंट होता है, इसके ऊपर उनका पूरा एक लोगो होता है, उनका नाम होता है, और जब वो कोई कस्टमर कैरी करके लेके जा रहा होता है ना तो वो एक्चुअली उनकी एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है। कभी भी अच्छे ब्रांड्स में आप जाएं, मैं गई हूँ अमेरिका में, बहुत बड़े बड़े ब्रांड देखे हैं यार,
कभी किसी ने अपने बैग का अलहदा से चार्ज नहीं किया। हाँ ये जरूर है कि ग्रोसरीज वाले हो गए या ये हो गए, वहां पर ये वो कहते हैं कि जी अभी हम वो पॉलिथिन के लिफाफे नहीं देते हैं बिकॉज एनवायरमेंट का जो सारा बता रहे हैं। आई एग्री विद यू, ठीक है। उसके अलावा फिर मैं ये कहना चाहूंगी कि यार अगर पाकिस्तान देखे ना, जो वहां बाहर के मुल्कों में चलो ब्रांड्स भी अगर अपने बैग्स सेल कर रहे हैं लेकिन वो और बहुत कुछ दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2-3 महीने के बाद भी जाकर कहे ना कि ये मैंने इसको एक्सचेंज करना है तो वो ड्रेस को फॉरन एक्सचेंज करते हैं। सेल्स उनकी जो लगती हैं उसमें 2 ड्रेसेस आप लेने जाए, एक मैं लेने के लिए गई थी मुझे एक बीच में फ्री मिल गया था, मैंने 2 शूज लिए थे क्रिसमस के दिनों में मैं गई थी, एक मुझे फ्री मिल गया था। ये नहीं है कि रमजान और ईद पे डबल महंगा हुआ वो होता है, ठीक है ना। तो वो अगर बहुत सारी चीजों का ख्याल कर रहे हैं तो यार एक बैग खरीदने में फिर कोई तकलीफ ना हो। लेकिन जिस तरह यहाँ पर है ना कि आपको आप पैसा अपना लुटाए जा रहे हैं, घर में बिजली भी कोई नहीं है, गैस आ नहीं रही है, आपको किसी चीज में आपको आराम मुहैया नहीं हो रहा है, तो फिर ये जो 30 रुपए बैग के है ना, ये अंदर एक रड़कते हैं, रड़कने का मतलब ये एक चुभन होती है फिर देते हुए। वरना एक जमाना था हमारे गाँव में, हम जाते थे, हम जाकर गंदम के दाने दे आते थे और उसके बदले में दूसरी चीज ले आते थे, और दुकानदार या फिर हम कपास ले जाते थे और वो हम दे के कोई और चीज ले लेते थे, और वो फिर बच्चा साथ जाता था तो उसको चूंगा भी दे देते थे, लाइक 2-4 पतीसियां, 2-4 रेवड़ियां, मूंगफली टांगरियां। यानी ये चीज होती है, मैं ये बात करने की कोशिश कर रही थी, मेरा बिल्कुल हरगिज ये मतलब नहीं था कि मैं एनवायरमेंटल फ्रेंडली फैक्टर्स को डिनाय कर रही हूँ। तो चलिए आई निकालते हैं फिर ये। तो सबसे पहले तो इन्होंने जो भेजा है वो माशाल्लाह ये वाइट कलर का है। अच्छा नहीं, ये एक ट्राउजर भी है। ये कार्ड है नबीला समी, देखते हैं जी। ट्राउजर के कट से पता लग जाता है डिजाइनर का। कलर तो बहुत अच्छा है, बेज सा, किसी भी शॉर्ट शर्ट के साथ बड़े आराम से पहना जा सकता है। वाह 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 जी वाह, इट्स ब्यूटीफुल। ये लुलू सर के बाद मुझे पहली दफा इस तरह का, वरना ये नहीं बना सकते मुजीब। बड़े बड़े डिजाइनर्स के पास आप चले जाए ना, जो वहां पे लटके हुए हैं ट्राउजर्स, उसका ये कट नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल ठीक है। और इसकी प्राइस है जी 2000, बहुत रीजनेबल है, मुझे नहीं पता था, मैं तो खोला ही अभी है, वेरी रीजनेबल। सेकंड नंबर पे ये कुछ वाइट सा है, इट्स अ शर्ट, बड़ा ही खूबसूरत सा फैब्रिक है। ओह इट्स अ फ्रॉक, ओह वाओ गर्ल्स, बहुत ही खूबसूरत फैब्रिक है भाई। ये थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी वाला है, मतलब लाइक इसके ऊपर है एम्ब्रॉयडरी और इसका एक लेस वाला इफेक्ट है। और इसकी चूंकि ये सी थ्रू है तो इसके साथ ये नीचे पहनने के लिए, तो मैं ये भी पहन के दिखाती हूँ थोड़ी देर में। okay. एक और लास्ट है, वो भी वाइट है। नबीला ने मुझे वाइट, नबीला को पता नहीं कैसे पता चला कि मुझे वाइट पसंद है सारे। वो वाइट इसलिए भी ना कि तुम फेयर कलर हो तो तुम्हें वाइट हो तो फर्क ही कोई नहीं पड़ता। तो अभी अगर आप लोग मुझे इजाजत दें तो मैं ये फिर आपको वेयर करके दिखाऊं। ओके इजाजत है। लो जी पहन लिया तुमने, तो ये तो फिर ब्यूटीफुल, isn't it? It is. यार, I was looking forward to it कि मैं कोई इस तरह का, इसका फैब्रिक मुझे जो है ना बहुत पसंद आया है, नहीं? बहुत।
Another one, huh? और ये लड़कियों के लिए है, गर्ल्स जो भी देख रही हैं, जल्दी जल्दी फोन करें नबीला को. नहीं ये वाकई, और इंस्टाग्राम पेज पे भी आप देख सकते हैं कि उनके पास, और बाय द वे ये स्टिच भी करवा देती हैं. अच्छा मतलब अपना फैब्रिक दे दें और वो स्टिच करा देंगी जी, तो डिजाइन भी देंगे भी करेंगी, बिकॉज शी इज अ डिजाइनर. ओके उनके साथ मिलें, है ना प्यारा? नहीं बहुत प्यारा है, और कितना अच्छा मतलब लग रहा है, और इतना कंफर्टेबल है. आप यकीन करें मुझे कभी भी ये चीजें जो है ना, ये मुझे कभी पूरी नहीं आती है अंटिल और अनलेस के कोई बहुत ही एक्सपर्ट हैंड हो. हाँ मुझे आई रिमेम्बर कि जो भी तुम कपड़े सिलवाती हो अगेन दे दोबारा उसको ऑल्टर करवाती हूँ, इसको मुझे बिल्कुल कोई ऑल्टर करवाने की जरूरत नहीं पड़ी. और ये मीडियम साइज है, जितना भी मैं अभी पहन रही हूँ दिस इज मीडियम. ये किधर गया ट्राउजर? ट्राउजर की प्राइस मैंने आपको बता दी थी 2000. और ये जो व्हाइट वाला है ना, राइट, ये काफी महंगा सा फैब्रिक है. इट्स अ वेरी रिच एंड वेरी एक्सपेंसिव फैब्रिक. इसकी जो प्राइस है वो है जी 9000. ओके ठीक है. और ये जो पूरा का फुल एम्ब्रॉयडरी वाला है ना, इसकी प्राइस है जी, इसकी प्राइस नहीं मुझे पता, मैं आपको बाद में पता करके बता दूंगी. इसका टैग मुझसे कहीं उतर गया है. ठीक है जी. और इसके अलावा यहां से मैंने निकाली है ये क्या आया हुआ है? ओह ये तो परफ्यूम है. अच्छा ये परफ्यूम मुजीब ने लिया था मेरे लिए एनिवर्सरी पे. ये इसका क्लोजअप दिखा रहा हूं मैं, इसकी स्टोरी बता देती हूँ. यार इसको खोलते हैं मुजीब. यार इसकी स्टोरी ये है कि मेरे ना क्लिनिक में एक पेशेंट आई और ना बड़ी ही अच्छी खुशबू आई ना उसके पास से. देन आई आस्क्ड हर, मैंने कहा भाई प्लीज मुझे बताओ तुमने कौन सा परफ्यूम लगाया हुआ. उसने कहा जी मैंने F7 से, कौन सा मुजीब स्टोर है? मोइन. F7 में मोइन स्टोर है कोई? अच्छा, मरकज में. जी जी F7 मरकज में, जिना सुपर में. तो मोइन स्टोर है, वहां से उसने ये लिया जिसका नाम है जनाब लवली है. हाँ, और ब्रिटिश ब्रांड है ये. ये कितने का था? ये सस्ता था आई थिंक. ये यूके का ब्रांड है, साढ़े तीन हजार का. और जनाबे अली इसमें भाई क्या खुशबू है, नहीं खुद ही आती रहेगी. ये बड़ी कॉन्सेंट्रेटेड खुशबू है. हाँ ये एक्चुअली ये जो मोइन स्टोर वाले ना, ये बल्क में मंगवाते हैं, ये बल्क में मंगवाते हैं. और ये वो नहीं है ना, यूडी टॉयलेट नहीं है, ये क्लोन है. हाँ. ये वो वाला कॉन्सेंट्रेटेड वाला क्लोन नहीं होता. हाँ. और ये हाँ. अब आती रहेगी. हाँ, यस. क्योंकि वो जब कमरे में से चली भी गई ना बंदी, फिर भी उसके पास ही मेरे कमरे से खुशबू आती रही. तो मैंने कहा फिर मुजीब को फोन किया, उधर से ही अपने क्लिनिक से मैंने मुजीब के दफ्तर फोन किया. मैंने कहा भाई मुजीब काम छोड़े, जरा चक्कर लगाए मोइन स्टोर. है ना, उसने पहले कोई और दे दिया था. हाँ. लवली के नाम से. मैंने कहा नहीं नहीं ये लवली है, ये लवली है. और वो स्माइली था, स्माइली जैसी था. अच्छा जी इसके बाद मैं अभी आपको साथ ही दिखा देती हूँ, फिर बहुत ज्यादा वरना लंबा ब्लॉग हो जाएगा. तो जी आई एम इन लव विद शनायर. फटाफट दिखा देती हूँ, आप लोग बोर ही ना हो जाए. मतलब लाइक मैंने ना ये लॉन्ग ड्रेसेस वगैरह बहुत पहने हैं, लेकिन जो शनायर वालों का एक क्लासी टच है ना, पेशवास टाइप हो जाता है, या उसमें कोई ना कोई वो ऐसी चीज डालते हैं जिससे कि वो बाकी ड्रेसेस से डिफरेंट है. आप देखकर बताएं कि मैं सही कह रही हूं कि गलत. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखिए, अब ये एक आम सी फ्रॉक है, है? लेकिन इसके नीचे देखें, ये देखें, ठीक है. ये मैं पहन के दिखाऊंगी, क्योंकि नीचे मेरी दूसरी फ्रॉक नजर आ रही है.
उसका इफेक्ट नहीं आ रहा। एक ये हो गई, तीन ली है मैंने। फिर उसके बाद ये दूसरा देखें आप, ये देखें, कैन यू इमेजिन मुजीब के इसके आगे मोर बने हुए हैं। कैन यू इमेजिन, इतना उस दिन प्यारा मौसम और मैं गई, इसके ऊपर मोर बने हुए थे, और यार इतनी प्राइस भी नहीं है, मतलब जैसे ये मैंने तीनों लिए तो लाइक 15,000-1,000 में तीन फ्रॉक्स आ गई थी विद सेल एंड सेल एंड सेल, मतलब 7,500 की ये है, 8,000-1,000 की ये, पता नहीं कितने की है ये, 10,000 की फ्रॉक है। अच्छा, और ये 7,000 की है, इसी तरह तीसरी भी, लेकिन ये सेल में कट कटा के 15 में मुझे तीनों मिल गई। अच्छा गुड, ये देखिए है ना ब्लैक खूबसूरत। अच्छा उसके बाद फिर मैं एक थर्ड थी, मैं लेना नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर मैंने, फिर मुझे आमना मरियम ने कहा कि मामा जब आप अमेरिका आया करें तो हमें इस तरह की चीजें वहां घर में पहनने के लिए चाहिए होती हैं। तो मैंने कहा चलो मैं जब पहनूंगी तो वो लोग भी देख लेंगे, अगर उनको अच्छी लगेंगी तो फिर मैं, जब अब मेरा है प्लान मूवीज के जाने के बाद, हम लोग इंशाल्लाह प्लान बना रहे हैं, मैं सारे सीक्रेट्स आज ही बता दी मैंने अल्लाह आप लोगों को। सीक्रेट का जब हम जाएंगे तो पता लगेगा ना लोगों को, दिस वाज अ सीक्रेट, अब लेकिन सीक्रेट सीक्रेट नहीं रही, ओपन सीक्रेट हो गई। हाँ, फिर मैंने सोचा कि यार अगर उनको ये श्नायर के ये फ्रॉक्स वगैरह पसंद आती हैं तो मेरे, जब मैं इजी हो जाती हूँ फिर मैं ले लेती हूँ उनके लिए, वरना समझ नहीं आती कि क्या उनको पसंद आएगा। ले जी, This is again beautiful. कर लो गल, and color is also beautiful. कर लो गल ते फड़ लो कन। बिल्कुल ठीक है। है ना खूबसूरत? हाँ, तो अभी कान छोड़ दूँ? ये है, ये 6,000 की थी। तो ये काफी ज्यादा मतलब नुस्खा बना हुआ था, लेकिन सेलें इनकी अमेजिंग है यार। और क्या इनकी सेल्स गर्ल्स हैं? वेरी कोऑपरेटिव। और ये मैंने लिया है जी F10 मरकज में, जो बरीजे वाली एक पूरी बिल्डिंग है ना, जहाँ सतरंगी और बरीजे और शनायर, वहां से मैंने ये लिया है। वो वाला आउटलेट है, मैं आपको बता रही हूँ। तो अभी मैं आपको क्विक क्विक करके ये पहनकर दिखाती हूँ। स्टार्ट करें ना मुझे? कर दिया जनाब, स्टार्ट है। ये हरी हरी चूड़ियां मम्मी ने, वो ना मेरे नेहर से आज मुझे आया, मुझे भी ये देखे गला गला। हाँ बहुत प्यारा है गला, मैं दिखा चुका हूँ आपको। ये ENT स्पेशलिस्ट है जो गले देखते हैं, थ्रोट, या है ना प्यारा, बहुत प्यारा, आई लव इट, या ब्यूटीफुल अगेन अनदर पीस। एक इसमें ना टच है, बहुत प्यारा है वाकई, कोई शक नहीं है। इसका नीचे मेन नीचे वाला है डिजाइन, या जिंदगी के सफर में आप जैसा हमें मेहरबान मिल गया। 40 साल पुराना फोटोग्राफर मेहरबान मुझे वैसे, लेकिन ये इनके देख रहे हैं ये बीच में कलियां एंड स्टफ। हाँ, मैंने बड़े पहने हैं, मैं अब और डिजाइनर्स का नाम नहीं लेना चाह रही, लेकिन ये जो है ना, आई एम इन लव विद श्नायर, इट्स वेरी और कंफर्टेबल है। ओके, तो ये था हमारा आज का व्लॉग। ये इन कपड़े दिखाने जरूरी होते हैं, क्योंकि फिर इस तरह से मेरा और मेरी जितनी भी बहनें और बच्चियां वगैरह देख रही हैं, ये हमारी बड़ी जरूरी चीजें होती हैं। नहीं तो उनका दिल टूट जाएगा। उन्होंने जरूर देख रही होती है। तो और होते किस लिए हैं? वो कहते हैं ना जी, खवातीन का तो यही नेचुरली है। क्या है वो, से है कायनात में रंग, सिंफ नाजुक से है कायनात में, ऐसे कुछ है। मतलब है कि मतलब ये है कि खवातीन की वजह से रंग बिरंगे कपड़े और ये चीज कायनात में रंग पहनना दिखाना ये बड़ा जरूरी है। और फिर आप बताइएगा, और आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको इन ड्रेसेस में से सबसे अच्छा ड्रेस कौन सा लगा है। और अगर आपने नबीला का फोन नंबर आपको याद नहीं हुआ तो आप रिवाइंड करके एक दफा प्लीज देख लें, क्योंकि मुझे फिर दोबारा अपना वो फोन खोलना पड़ेगा। तो ये था आज का व्लॉग, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको इन सारे ड्रेसेस में से कौन सा ड्रेस सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। हमें अपनी दुआओं में याद रखें, खुश रहें, दूसरों में खुशियाँ बांटें,
दूसरों का ख्याल रखें, वालदैन का ख्याल रखें, हमारे लिए भी दुआ करें। अगले ब्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।